की। हम सभी यहाँ गुरु गोरखनाथ के प्रकट दिवस पर उपस्थित हुए हैं और जो अपना बहुकीमती समय निकालकर यहाँ उपस्थित हुए हैं, मैं सभी जोगी समाज, नाथ समाज, उपाध्याय समाज के बंधुओं को हाथ जोड़कर नमन करता हूँ। आज सबसे बड़ा विषय, जहाँ भी हम जाते हैं समाज की मीटिंगों में, सम्मेलनों में, एक ही बात सामने आती है कि हम संगठित कैसे हों। नाथ समाज इतना ऊंचा समाज था कभी कि सामने से कोई नाथ आ रहा है और हाथी पर सवार कोई राजा सामने से आ गया तो वो हाथी की सवारी छोड़कर दंडवत प्रणाम करता था। आज नाथ समाज इतना डाउन कैसे चला गया, हमारे अंदर है वो कौन सी कमियां आ गई जो हम इतने ऊंचे स्थान से इतने नीचे पर आ गए हैं। तो हम वही, लेकिन हमारे अंदर वो कमियां आई कुछ। वो कमियां कौन सी आई, हम सबसे पहले मैं नाथ हूं इसी बात को भूल गए। हम अपने नाथ पने को भूल गए, नाथ कौन होते हैं। वो कमियां यहां बैठे मेरे बंधु अपने अपने अंदर जाकर देखेंगे कि वो कमियां हमारे अंदर है या नहीं है। अगर है तो जितना जल्दी हो सके उनको दूर कर लेंगे तो संगठित होने में हमें देर नहीं लगेगी। वो कमियां क्या है, सबसे बड़ी कमी है कि मैं नाथ हूं इस बात को भूल गए। मैं नाथ हूं तो नाथ के नियम संयम उनको क्यों नहीं अपनाया मैंने। तो नाथ शब्द किसको, नाथ शब्द हमारे साथ कहां से लगा। नाथ कोई जाति नहीं है, नाथ नाथ एक पंथ है और इस नाथ पंथ में हर जाति बिरादरी के लोग सम्मिलित हैं। आज इस बात का हम सबको ज्ञान है। तो नाथ बनता कैसे है, नाथ कहते किसको है। जो व्यक्ति अपनी इंद्रियों को नाथ लेता है, इंद्रियों को वश में कर देता है, उसको हम नाथ कहते हैं। आज हमारा मन हमारे वश में, भाई राकेश योगी जी हमारे बीच में पधार रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद।